सो फाइनल गाइस, मैं आनंद विहार स्टेशन पहुंच गया और ये रही मम्मी, वो रहे भैया। तो अभी चाह रहे हैं स्टेशन के अंदर और अभी कुछ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रवि और आप लोग देख रहे हो रवि गुप्ता ब्लॉग्स। और ये जो ब्लॉग है, ये दिल्ली का बाय बाय वाला ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि मैं दिल्ली से जा रहा हूँ अपने घर बिहार। तो मैं सोचा कि एक छोटा सा आपको ब्लॉग बना के मतलब दे दिया जाए कि आप लोग को भी अपडेट मिल जाए कि मैं अपने घर आ जाऊँगा या आ गया हूँ। तो इसीलिए मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और अभी जो टाइम हो रहा है वो भी 4 बज रहे हैं, रात का दिन है, वो सैटरडे है। सो बस एक घंटे में मैं निकलूँगा घर से। लगेज वगैरह सब हमारा पैक हो गया, खाना बस रेडी हो रहा है, तो वो सब भी रेडी हो जाएगा, तो वो सब भी पैक हो जाएगा, देन हम लोग निकलेंगे स्टेशन के लिए। तो वैसे मैंने जो टिकट है वो आनंद विहार से किया हुआ है, क्योंकि दिल्ली से टिकट मिल नहीं रहा था ड्यूरिंग होली। और ये जो ब्लॉग शूट हो रहा है ये होली के टाइम का ही शूट हो रहा है, बट आपको शायद लास्ट मार्च तक मिलने वाला है। और आगे मैं आपको अपकमिंग ब्लॉग्स जो मेरे आने वाले हैं वो मैंने शूट करके रखा हुआ है। चार पाँच ब्लॉग है वो कहीं और मतलब किसी और जगह का है, तो मतलब काफ़ी अच्छा ब्लॉग है, तो उसके बारे में मैं आपको आगे अपडेट देता हूँ। बस आप लोग ब्लॉग इन्जॉय करते रहो, ब्लॉग पर बने रहो। तो अभी गाइज हम लोग घर से निकल गए और ऑटो भी आ गया है, तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग आनंद विहार स्टेशन। सारा सामान वगैरह हो गया है, फिर हम निकलते हैं, फिर आपको डायरेक्ट स्टेशन में मिलते हैं। फाइनल गाइस, मैं आनंद विहार स्टेशन पहुंच गया और ये रही मम्मी, वो रहे भैया। तो अभी चाह रहे हैं स्टेशन के अंदर और अभी कुछ 6:30 बज रहा है, तो चलते हैं आपको फिर लेके अंदर। सो अभी गाइस 7 बज रहे हैं और मैं आनंद विहार स्टेशन पे आ गया। तो बस अभी आधा या 45 मिनट के अंदर मैं गरीब जो ट्रेन है वो लग जाएगा स्टेशन पे, देन फिर ट्रेन के अंदर चलेंगे। और फिर और कुछ कुछ है अपकमिंग ब्लॉग के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, उसका बात वहीं पे करते हैं ट्रेन के अंदर जाके। सो अभी गाइस मैं ट्रेन के अंदर आ गया और अभी बस कुछ देर में ट्रेन स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे लाइटिंग कुछ खास टाइम और रात का टाइम है, तो लाइटिंग क्या ही रहेगा। तो बस कुछ टाइम बाद ट्रेन स्टार्ट होगी और 7 या 8 स्टॉपेज है, उसके बाद मैं डेहरी अंकल पहुँच जाऊँगा, फिर आपको वहीं पर मिलते हैं। बीच में थोड़ा सा टाइम लैप्स वगैरह डाल देंगे तो देख लेना। और अपकमिंग ब्लॉग यही है कि अपकमिंग जो ब्लॉग मेरा आने वाला है, मैंने शूट करके पहले से ही रखा हुआ है। वो मैं मम्मी के साथ जम्मू काश्मीर गया था, मतलब जम्मू काश्मीर गया था, वहाँ पर पर्टिकुलर जगह गया था, वैष्णो देवी वगैरह गया हुआ था, तो वहीं का ब्लॉग आपको मिलेगा। अप्रैल स्टार्टिंग अप्रैल से आपको मिलना चालू हो गया, 3-4 ब्लॉग है मस्त। आप लोग वो भी ब्लॉग देखिएगा, उसको सपोर्ट करिए, क्योंकि उस ब्लॉग में काफ़ी मेहनत लगा शूट करने में। और मतलब वीडियो एडिटिंग वगैरह चल रहा है और एडिटिंग कुछ बाकी भी है, तो जैसे सब कुछ होता है तो फिर आपको अप्रैल में आपको वो सारे ब्लॉग देखने को मिलेगी। बस अभी दिन वगैरह करूँगा जो आपको अपडेट दूँगा, नहीं तो फिर टाइम लग देख के या डेहरी मिलते हैं आपको। गाइस 9 बजने वाले हैं और हमें भूख लगी हुई थी, तो बस घर से हमने पनीर का सब्ज़ी और रोटी वगैरह मंगवाया था, तो बस मैं और मम्मी खा रहे हैं। खा के भी थोड़ी देर में सोने वगैरह जाऊंगा या फिर नेटफ्लिक्स पे मूवी वगैरह ऑफलाइन करके रखा हुआ है तो वो देखूँगा, फिर वो देखते देखते सो जाऊँगा, फिर डेहरी में मिलेंगे आपको। गाइस सुबह हो गया है और हम लोग सासाराम पहुंच गए, इसके बाद नेक्स्ट स्टेशन ही डेहरी है, तो फिर डेहरी पहुंच जाएंगे। यार ट्रेन में तो नींद ही नहीं है, रात भर सोया भी नहीं, नेटफ्लिक्स पर एक दो मूवियाँ देखा, बस कुछ टाइम बाद डेहरी हम सब पहुंच जाएंगे। फाइन गाइस, मैं डेहरी आ गया हूं और अब हम लोग यहां से घर जा रहे हैं। ये रही मम्मी और ये देखो डेहरी स्टेशन का व्यू, और ये गरीब रथ ट्रेन है, यहीं से हम लोग आए हैं डेरी ऑनसॉन। सो अब जाते हैं घर, घर जाके फ्रेश वगैरह होता हूँ, फिर मैं व्लॉग ख़त्म करता हूँ। सो फाइनली गाइस, मैं फ्रेश वगैरह हो लिया और अब मैं सोच रहा हूँ ना कि ये व्लॉग ख़त्म कर देता हूँ, और मेरे को अभी भूख भी लगी है, तो
तो जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लेता हूँ। तो आपको अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आपको पता ही है कि अपकमिंग व्लॉग क्या आने वाला है, तो बस चैनल पे बने रहो। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर देना, और अभी बहुत अच्छा अच्छा व्लॉग आने वाला है, तो चैनल पे बने रहो और सपोर्ट दिखाते रहो। और एक छोटा सा अपडेट देना था कि मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया, सो आपके सपोर्ट की वजह से ये सब हुआ है, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। मैं व्लॉग में बोलना भूल गया था, मेरे को अभी याद है ऐसे रेलने की मैं चैनल मोनेटाइज है, तो मैं सोचा कि क्यों ना वो भी बातें आपसे शेयर कर देते हैं। और कुछ लोगों ने मेरे प्रीवियस जो मैंने दो व्लॉग इस व्लॉग को अपलोड करने से दो व्लॉग पहले मैंने जो व्लॉग अपलोड किए थे उसमें भी काफ़ी मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह लोगों ने मतलब कमेंट किया था, जिन जो जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें पता चल गया था कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, और जिन्हें नहीं पता है वो इस ब्लॉग को देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। तो ये सब आपके सपोर्ट की वजह से हुआ है, और आपको आगे भी बहुत अच्छा अच्छा कॉन्टेंट मिलेगा मेरे चैनल पर और अच्छा अच्छा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सो फिलहाल के लिए जय हिंद जय भारत।